दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंदन को आज दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेलचंदन को उनके संतराबाड़ी निवास से गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चालक चालान पेश करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बेलचंदन लगातार 20 वर्षों तक दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उस दौरान उस पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगा है। अब उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति गर्माते नजर आ रही है। चुनावी वर्ष में उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति का माहौल भी गर्म है। सन 2008 में भाजपा के टिकट से उन्होंने दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। वे महज 1500 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार भी दुर्ग ग्रामीण में बीजेपी से कड़ी दावेदारी मानी जा रही थी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी ने उनके शुभचिंतकों व पार्टी को सकते में डाल दिया है। वो गिरफ्तारी के बाद जब पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को दुर्ग सिटी कोतवाली द्वारा न्यायालय में पेश करने के पहले डॉक्टर मुलाहजा के लिए ले जाया जा रहा था, तब उन्हें मीडिया ने घेर लिया और उनसे कुछ सवाल करना चाहा तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि बेलचंदन पर 2014 से 2020 के बीच दुर्ग जिला केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहते हुए अपने प्रभाव का प्रयोग कर करोड़ों रुपयों के हेरफेर का आरोप है, जिससे उन्होंने अपने शुभचिंतकों को लाभ दिलवाया था, जिसमें FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद वह फरार चल रहे थे और जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज सुबह दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें अपने घर से गिरफ्तार किया है। ये 2020 का मामला है। इसमें जब वो बैंक में अध्यक्ष थे तो उनके विरुद्ध कुछ अनियमितता की शिकायत होने पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति ने उनको दोषी पाया था, इस पर से FIR किया गया था। काफी लंबे समय तक इस मामले में स्टे था। स्टे के दौरान विवेचनीय कार्रवाई स्थगित थी, लेकिन फिर अब माननीय हाईकोर्ट से निर्देश है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करके चालान पेश करना है। तो इसी के तहत हम लोगों ने फिर विवेचना को आगे बढ़ाया और उसी क्रम में इनको हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ करके जो भी साक्ष्य हमको मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग कोर्ट में चालान पेश करें। चालान जल्द से जल्द, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, तो जल्द से जल्द हम लोग पेश करें। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।